हम अभी बात कर रहे थे बोर्ड की BOAT आपसे बात कर रहे थे, तो नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। बच्चों के लिए जो ITI पास है मे बी वो इंग्लिश ना समझ पाए, तो उनमें के साथ काम करके जो पेमेंट निकालना होता है ये बहुत टफ टास्क है, इसीलिए बीच में इसमें NSDC है। कोई हार्ड कॉपी मुझे आपको नहीं भेजनी है, यू हैव टू अपलोड ईच एंड एवरीथिंग, जहां पे जो मांगा हुआ है वहां अपलोड कर दीजिए। वी विल 45 रुपए आपको क्वार्टरली हर बच्चे के ऊपर मिलता जाएगा, ठीक है। देन कॉलेज यूजर मैनुअल, अगर कोई कॉलेज के डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं उनके लिए क्या चीज है, इस जो भी प्रोसेस हमने डिफाइन किया हुआ है नैप्स के लिए वो इसमें पूरा हमने डिफाइन किया हुआ है। ये इसी वेबसाइट पर पड़ा हुआ, ठीक है। क्लासेस पे करेंगे, आपका मन है BTP हायर गेटवे, जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, फंड और आपकी जो भी डिटेल्स हमारे पास होंगी, सही डिटेल्स, सही मतलब आपका जो अकाउंट नंबर है, आपका पेमेंट हो जाए। दिस इज सर्च एडजस्टमेंट एंगेजेस विद द TPA, TPA handles the process above the company. ये process number 2 है, ये आपकी जान या आपके अपने जो processes हैं, ये किसी एक बंदे को common। आज राजकीय उद्योग स्थान भीलवाड़ा में रीजनल डायरेक्टर ऑफ RSDC जयपुर और NSDC के सहयोग से जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम राष्ट्रीय शिशुता प्रोत्साहन योजना के तहत एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें जिले में जो इस योजना के तहत जो है 77 प्रतिष्ठान रजिस्टर्ड है उनको आमंत्रित किया गया है, और प्राइवेट जो संस्थान है ITI है, निजी ITI है, उनको आमंत्रित किया गया है, साथ में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है उनको आमंत्रित किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य है कि जो भारत सरकार द्वारा अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत ये जो स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें भीलवाड़ा जिले में ज़्यादा से ज़्यादा जिन इंडस्ट्रीज़ में अप्रेंटिसशिप की सीटें हैं वहाँ पे शिशु नियोजित करवाना, जिससे ITI जो उत्तीर्ण छात्र हैं वो भी शिशु नियुक्त हो सकते हैं, और जो फ्रेशर छात्र हैं जो 5वीं से लेकर 9वीं तक पढ़े लिखे हैं वो भी एज ए फ्रेशर शिशु इंडस्ट्रीज़ में नियुक्त हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्कीम से जोड़ना और इस स्कीम को बढ़ावा देना, और भीलवाड़ा ज़िले में क्योंकि इंडस्ट्रीज़ का हब है इसलिए इस स्कीम को बढ़ाने के प्रयास के रूप में आज हमने ये जो ITI है, तो ये सभी इंडस्ट्रीज़ को आवश्यक सहयोग मार्गदर्शन जानकारी प्रदान करेंगे, और इंडस्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन इस स्कीम के तहत शिशु लगाने के लिए जानकारी दी जा रही है। इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी जानकारी दी जा रही है, और इंडस्ट्रीज को इस स्कीम को लागू करने में जो समस्याएं कोई आ रही हैं उनको भी आज यहाँ पे इंटरेक्शन करके और उनकी समस्याओं का मौके पे ही मुख्य अतिथि द्वारा और हमारे जिला स्तरीय संस्थान द्वारा जो है वो समाधान करने का पूर्ण प्रयत्न किया जाएगा।